भैया इन्हें बना दो पुरानी मूवी का हीरो, ठीक है भैया, जीरो कर दो इनकी दाढ़ी, मूछे कर दो इनकी रावड़ी राठौर जैसी, क्लीन करूँ ना सर, मूछे नहीं, मूछे नहीं, शेव क्लीन कर दो, और वैसे काली भी कर देते हो पापा, दाढ़ी काली भी करा सकते हो हल्की छोटी करा के, स्किन पे तो नहीं रहेगी, करा लो पापा सही लगेगी काली काली, चुपचाप करके बैठ जाऊँ, चलो ठीक है भैया, तो आज पापा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है घर पे, क्या बात है गाइस, ये सेटअप, बानु पा क्या कर रहे हैं गाइस, बोलो हेलो गाइस, एक और कर दो, ये भैया बाबू बच्चा कौन है वो यार मुझे काली कर दो भैया इनकी थोड़ी सी, नहीं है बाल भी काट दो गाइस, ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारी कौन सी फेवरेट है सर, वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में, जो आज का ब्लॉग है ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, घर में आज अर्बन क्लैब से भाई ने दाढ़ी शाड़ी बनवा ली, मेरा वैसे कोई प्लान नहीं था, पापा कर रहे थे अपनी बियर्ड वगैरह सेट, मैं कहा यार भाई मेरी भी कर दो, सो लैपटॉप लेके बैठ गया मैं क्योंकि एडिटिंग कर रहा था, इससे पहले वाला जो ब्लॉग था ना भाई उसको मेरे को शूट करने में बहुत मज़ा आया, उसके बाद जो आप सबका रिस्पॉन्स आया ना उसके ऊपर भाई एक नंबर, सो आज का जो मुद्दा है ना वो ये है कि आज है हमारे यहाँ पे पार्टी, और जो पार्टी है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, और जो मैंने सरप्राइज प्लान करा हुआ है ना वो मज़ा आने वाला है आप सबको, सो भाई आगे बढ़ेंगे अभी ब्लॉग में, उससे पहले न्यू फ़ोन तो आ चुका है आप सब ने देख लिया, अब इसके साथ ना थोड़ा ना मेरे को इशू आ रहा था कि मेरे को ना जो साउंड क्वालिटी चाहिए थी ना वो मेरे को ईयरफोन्स वगैरह में कुछ मिल नहीं पा रही थी बढ़िया, सो तो भाई इधर उधर बहुत ज़्यादा देखने के बाद मैंने सोच समझ के एक बर्ड्स को चूज़ करा, जे लैब्स के बर्ड्स हैं, इनको मैंने ऑर्डर करा ऑनलाइन और आज मेरे पास रिसीव हो चुके हैं, सो इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं कह वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाते हैं क्योंकि बहुत दिनों से कोई अनबॉक्सिंग नहीं करी थी, सो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका रिव्यू बताते हैं, बाकी अगर आप ये लेना चाहो तो आपके नियरेस्ट क्रोमा स्टोर पर आपको ये अवेलेबल मिलेगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो ऊपर एक सील आती है जिसको हम ऐसे करके खोल लेंगे और नीचे भी आती है उसको भी ऐसे करके खोल लेंगे, तो यश भाई आज हमारे वीडियोग्राफर हैं, सो भाई इसको ऐसे करके निकालेंगे, जो क्वालिटी है ना भाई पैकिंग की मतलब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपका बढ़िया होने वाला है, सो भाई इसमें पैकेज कॉन्टेंट्स लिखे हुए हैं, जे बर्ड्स एयर स्पोर्ट्स इनका नाम है, ट्रू वायरलेस हैं ये और 40 घंटे का प्ले टाइम इसमें मिलता है, और भी इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है लेकिन अनबॉक्सिंग करेंगे तो वो भी आपको दिखाई देंगे, एंड बॉक्स कुछ इसका ऐसा है, पैकिंग अच्छी है रहेश, हाँ बढ़िया यार, बढ़िया है ना, सो हाँ। इसके ऊपर भी ना ब्रांडिंग हो रखी है और बॉक्स तो एक नंबर है, एंड इसमें लिखा भी हुआ है कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें एडवांस कंट्रोल होता है मतलब टच से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, सो इसको अनबॉक्स करने के लिए, अरे वाह यार मतलब एक एक चीज़ का ना ध्यान रखा हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से पैकिंग करी हुई है इस चीज़ की, सो ऐसा कुछ आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, एंड इधर है हमारे बर्ड्स, इनको निकालते हैं, एंड ये खाली और ये आ गए हमारे बर्ड्स पर, इनकी खास बात पता है क्या है, जैसे आपको ना नॉर्मल क्या होता है कि आपने ईयरबड्स वगैरह ले लिए आप कहीं जाते हो आपको चार्जिंग केबल आप भूल जाते हो, बट इन्होंने जो चीज़ रिजॉल्व करी है ना इसमें, सो इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड आपको ये दे रखा है चार्जिंग के लिए, इससे आप कहीं भी इसे निकालो और चार्ज कर लो, मतलब जैसे अब तुम्हारा भाई जिम जाएगा बैटरी नहीं है, इतनी देर अपना भाई वार्म अप कर रहा है और इसको लगा दिया चार्ज पर, जितनी देर में वार्म अप होगा उतना ही बढ़िया ये भी वार्म अप हो जाएगा, सो इसकी अगर हम अनबॉक्सिंग करें तो मतलब आपका भाई ना जिम शिम कर रहा है ना आजकल, तो डोले भी बनेंगे और मोटिवेशन यहीं से आएगा, यहाँ पे एक छोटा किसी पेपर का वो मिलता है उसको भी निकाल देते हैं, अनबॉक्सिंग करने में बड़ा मज़ा आता है यार, सो कुछ ऐसा लुक आता है, फिनिश बहुत अच्छा है यार, फिनिश बहुत अच्छा है, इसको अपने सैमसंग वाले फ़ोन से मैं पेयर कर लेता हूँ और बताता हूँ क्या क्वालिटी है इसकी, कुछ ओवरऑल लुक की बात कर ली जाए तो आपको लगा के दिखा देता हूँ दोनों, सो दोनों कानों में मैंने इसे पहन लिया है, कुछ ऐसा लुक आ रहा है, साउंड क्वालिटी भी चेक करते हैं क्योंकि आपको ऐसे तो नहीं सुना सकते लेकिन मैं खुद सुन के आपको रिव्यू जरूर दे दूंगा इसका, तो गाइस घर से लेके जो पार्किंग तक का मेरा सफर था ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा गया, इस बार जो म्यूज़िक का मज़ा आया ना भाई जो मुझे चाहिए था वो मुझे फाइनली मिल चुका है, ऑडियो क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, आप ना बीट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और भाई बेस
मजेदार ही मजेदार। सो प्रोडक्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और इन्हें अगर आप कान में लगा के वर्कआउट वगैरह करते हो तो आपके कान में ना पेन नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। बीच में कुछ देर तो ऐसी हो गई थी मेरे को पता ही नहीं था कि भाई मैंने लगाए हुए हैं नहीं लगाए हुए। थम्स अप टू जेल ऐप। एंड अभी का सीन ये है कि आज तारीख हो गई है चार जून, संडे वाला दिन है। एंड जैसे आप सबको पता है जनवरी से पापा थोड़ी सी तबीयत वगैरह खराब चल रही थी, पापा परेशान चल रहे थे, हम सब चल रहा था ऐसा कुछ। तो अब का सीन ये है कि अब 5-6 महीने हो चुके हैं, तो आज का जो दिन है ना हमने फाइनली चूज करा है कि पापा को थोड़ा सा पहले की लाइफस्टाइल वाला फील कराएंगे, क्योंकि इतना कुछ पापा ने सफर करा, बट बहुत हिम्मत थी पापा ने, सब कुछ बढ़िया से झेल लिया। तो जो आज का दिन है, आज मेरा क्या प्लान है, पापा आज ये वाली गाड़ी चलाएंगे और यहाँ से अपन जाएंगे सुमित के कैफे। यश तेरे को भी नहीं पता, मैंने सुमित के कैफे पे ना थोड़ा सा अरेंजमेंट करा रखा है, मतलब डेकोर वगैरह करा दिया बढ़िया सा कि पापा को भी अच्छा लगेगा। जितने आसपास के फ्रेंड्स हैं मैंने सबको बोल दिया, एक ग्रुप बना हुआ मैंने, भाई आज देखते हैं कौन कौन आता है कौन कौन नहीं, फैमिली भी जाएगी और पापा आज भाई बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। सो पापा ये वाली गाड़ी चलाएंगे ना, तो इस गाड़ी में ना एक दो लाइट्स आती हैं, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये इधर एक लाइट आती है। सो इस गाड़ी के अंदर जो लाइट वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, समझ नहीं आ रहा क्यों आ रही है, तो अभी इस लाइट को मैं सबसे पहले जाके चेक कराता हूँ, नियर बाय एक मार्केट है वहाँ पे जाके चेक कराता हूँ और फ्यूल डलवाता हूँ और हो सके तो गाड़ी वॉश कराता हूँ। उसके बाद जो मेरे को मेन काम है, भाई मैंने फ़ोन तो ले लिया, अब तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाया उसमें डेटा, तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे को चाहिए सिम। एक आपके भाई ने बढ़िया VIP वाला नंबर ले लिया है, तो उस नंबर को भी एक्टिव कराएंगे और बस बहुत सारे काम है। थार भी लेकर आनी है, थार का क्या सीन है वो आपको थोड़ी बहुत देर में रुक के बताता हूँ, और बाकी सारी बातें आपको वीडियो में आगे देखते देखते पता चली जाएंगी। सबसे पहले इसका प्रॉब्लम एक बार सॉर्ट करवाते हैं कि भाई इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि इतने दिन हो गए भाई प्रॉब्लम इसकी सॉर्ट नहीं हो पा रही। सो भाई फटाफट निकलते हैं यहाँ से और बल्ले बल्ले चलते हैं। भाई यार ये लाइट आ रही है इसमें, तो एक बार वो लैपटॉप लगा के चेक करवाने की बात है। नहीं जा रही भाई, चला ली मैं 3 दिन चलाने के बाद ही आया हूँ, 10 दिन चला ली, नहीं जा रही। ABS की भी लाइट आ जाती है, लैपटॉप लगा के प्रॉब्लम पता चली है। सो गाइस निराशा। अब ये देखो रिवर्स भी लगा हुआ है लेकिन इसमें रिवर्स चल नहीं रहा, बड़ा स्लो चल रहा है, गाड़ी का ना दिमाग खराब हो गया है। सो यहाँ पे ना स्कैनर नहीं है। सो छतरपुर में 100 फुटा रोड पे एक मैकेनिक बैठता है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। कर दोगे भैया स्कैनर? छोटी मोटी कोई दिक्कत कोई होगी ना तो 500 में कर दूंगा, उसमें वायरिंग वगैरह भी वैसे कोई दिक्कत अलग वगैरह। ठीक है, और ये सामान डला वो आपके पास? ठीक है। सो भाई कितने सारे आए हैं भाई इसमें एरर्स? 1, 2, 3, 4 फेलियर्स आए हैं भाई। किस किस चीज़ के हैं भाई? कुछ आया बढ़िया सा, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट, स्टेयरिंग में भी आया है और क्लस्टर सिस्टम में भी आया है भाई एरर इसके। तो भाई प्रॉब्लम सॉर्ट होगी जो भी आ रही थी, और बस अब 500 रुपये लेंगे भैया हैं स्कैनिंग के, महंगी बातचीत है भैया। तो भाई प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। अब प्रॉब्लम क्यों थी, बस ऐसे ही अपना इसमें एरर आ रहे थे, गेट लॉक से रिलेटेड कुछ एरर था, तो उस वजह से वो एरर आ रहा था, भाई ने अभी रिमूव कर दिया है। सो फार अभी गाड़ी चलने लायक है और अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली, मज़ा आ गया भाई। 500 रुपये मैंने वसूल भी नहीं करे और इसके अंदर फिर से लाइट जल गई है, आप देख रहे हो क्या किस्मत हो रही है। मतलब जैसे ही मैं अभी घर पहुंचा, एक ये लाइट और एक ये लाइट गाड़ी में फिर से जल गई। अब ये इशू कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कब ख़त्म होगा यार, सच्ची को समझ नहीं आ रहा। वापस जाऊँगा, 500 रुपये वसूलूंगा भाई, बंदे को बोलूँगा भाई इसको ठीक कर, पैसे तो तुमने पूरे लिए, काम तुमने आधा भी नहीं करा यार। सो अभी का सीन ये है कि मैं घर पहुँच चुका हूँ, सुमित भाई के कैफे में जाने का प्लान है पापा को लेके, वो प्लान है शाम के 6 से 7 बजे का। अभी वैसे 5 तो बज चुके हैं, तो बच्चों की डिमांड आई थी कि उन्हें थार में जाना है, तो अपने पार्थिव भाई की थार लेने जा रहा हूँ, वहाँ पे अपनी खड़ी कर दूंगा मैं 900 एक दो दिन के लिए, और वहाँ से ले आऊँगा थार। बम्बलबी को आप मिस कर रहे हैं।